निराला टीम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं राशिद निराला हाजिर हो चुका हूं एक और वीडियो के साथ, और मैं खड़ा हूं सढौरा रेस्ट हाउस में, जहां पर हक की आवाज़ एक गैर राजनीतिक संगठन सढौरा की मीटिंग जारी है। आप देख रहे हैं तस्वीरों मेरे साथ, यहां पर हक की आवाज़ संगठन के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सामाजिक मुद्दों को लेकर और भी कई मुद्दे हैं, जैसे किसानों के मुद्दे हैं। इसके अलावा संगठन विस्तार को लेकर भी ये चर्चा यहाँ पर चल रही है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस प्रकार से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और बातचीत जारी है लगातार। ये तस्वीरें सढौरा रेस्ट हाउस की हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ चर्चा होती है और किसे संगठन का अध्यक्ष बनाया जाता है, चुना जाता है। उनका कहना है कि सर्वसम्मति से जिस प्रकार से पहले अध्यक्ष चुना जाता था, उसी तरीके से आज भी ये चुनाव किया जाएगा। तो पहले बातचीत सुन लेते हैं और उसके बाद जो आगे की कार्यवाही होगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। और छोटे से एक मैसेज पे यहाँ सभी लोग एकदम से इकट्ठा हुए हैं। आज ये विशेष बैठक लगभग 1-1.5 साल बाद रखी गई है, तो इस बैठक को ना रखने का एक विशेष कारण था। हमारे प्रधान जी हैं जो काफ़ी टाइम से पीछे बीमार चल रहे थे, उनकी वाइफ भी बीमार चल रही थी, तो इस करके इस संगठन का कोई भी कार्य नहीं होता है। इसीलिए आज ये छोटी सी सूचना पर एक विशेष बैठक रखी गई है, तो इसमें अपने कुछ सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे और कुछ संगठन की अपना उसके बारे में चर्चा की जाएंगे। तो आगे की कार्रवाई जो है हमारे पवन जी करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। एक लंबे अरसे के बाद ये मीटिंग हो रही है, लेकिन सामाजिक संगठन होने के नाते हमें इसकी मीटिंग जल्दी करनी चाहिए थी। बहुत से कारण होते हैं हमारे, जैसे अभी बताया हमारे राजनीति ने कि हमारे जो प्रधान है वर्तमान में श्री जसमेर जी, व्यक्तिगत कारणों से मतलब जो समय हम इन्हें देना चाहिए था वो दे नहीं सके। सबके साथ मजबूरी होती है, कोई ना कोई काम होता है इसलिए, लेकिन ये संगठन के नाते हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिर भी समय समय पर इन्होंने हमें ये इंडिकेशन भी दी है कि मेरे से ऐसे हो नहीं रहा, मैं जो आपने मुझे दायित्व दे रखा है ये मैं इसको ठीक से निर्वाह नहीं कर पा रहा हूँ, इसको आप बदल दें। लेकिन हम फिर भी एक सामाजिक कि चलो आज नहीं कल जैसे भी होगा ठीक हो जाएगा, लेकिन वो बीमारी की वजह से, क्योंकि एक परिवार के सदस्य हैं हम, वो भी हमारे भी है और उनकी मिसेज भी हमारे परिवार की सदस्य की तरह है। सबको बता दिए संगठन कितने अच्छे काम करे थे आज तक, अब के बाद संगठन सामाजिक काम करे बढ़ झड़क रही सा लिया। प्रधान अपने पिंकू बख्शी जी थे, मैंने उसको बढ़वाया था 4 साल रहे, उसके बाद ये जिम्मेवारी मेरे को सौंप दी। उसी दौरान 6 महीने बाद मेरी वाइफ लड़का गुजरने के बाद में ज़्यादा बीमार होगी और 2 साल अल्केमिस्ट में रही, अब भी उसका इलाज वहीं चल रहा। 3 टाइम मेरे को उसको इंजेक्शन देना पड़ा, इंसुलिन के टेस्ट करने पड़ा, फिर सारी रिपोर्ट हफ्ते बाद लेकर जाऊँ डॉक्टर का। तो मैं पहले भी रिक्वेस्ट भाई साहब में कुलवंत जी ने करी थी अपने शिव जी को भी मनो ना इस चीज़ से छोड़ा जा और किसी ने प्रधान बढ़ाओ, मैं तैयार हूँ तन मन धन से सहयोग करूँगा। जो संगठन ने मनो दिया मान सम्मान दिया, मैं सबका धन्यवाद दूँ। अध्यक्ष पद का किसी ने दिवा मेरे से पहले मेरे संगठन के सभी जितने भी मेरे संगठन के सभी साथी यहाँ पहुंचे उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और संगठन में मेरे से पहले हमारे जो शुरू से ही चल रहे, शुरू से ही हमारे साथी रहे, जब से संगठन बनाया मेरे ख्याल से आज इसको 10 साल हो गए डांग साहब, 2012-13 में बनाया था ये, तो तब से लेकर के आज तक जो शुरू के साथी है, संस्थापक साथी है हमारे आंसरा डांग जी हैं, जसमेर जी हैं और सभी साथी हैं जितने भी यहाँ पहुँचे, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद जसमेर जी को इसकी जिम्मेवारी दी गई, इन्होंने जिम्मेवारी कुछ समय बढ़िया तरीके से निभाई, उसके बाद इनकी अपनी पारिवारिक स्थिति खराब होने की वजह से नहीं बीच में आ पाए, और ऐसी स्थिति में कोई भी नहीं आ पाया था, कोई भी होता चाह नहीं आ पावा था। लेकिन भाई साहब ने एक बात जरूर कही, प्रधान जी ने भी फाइनेंशियली जैसी भी मदद हो मैं उसके लिए तैयार हूँ। और संगठन ने क्या क्या काम किया डांग साहब ने बता ही दिया, कहीं से भी किसी भी गांव में से मैसेज आ जाता कि गरीब कन्या है यहाँ विवाह करना है, बस उसको कार्ड कहाँ तक कार्ड ले आ भाई, आपको सामान हम पहुँचावाएंगे, पूरा पूरा सामान पहुँचाते थे। ये भी नहीं है कि हम शादी करेंगे इसकी कहीं धर्मशाला में, कहीं भी सामान दे आया कराते, कभी कुछ नहीं करा। तो सामूहिक शादियाँ भी करी,
स्कूलों में भी बच्चों को, गरीब बच्चों को देते थे, और भी बहुत काम किए। बाकी अपनी बात अलग रखांगे, क्या करना कैसे करना, जो भी संगठन का प्रधान बना का परम पिता जी से प्रार्थना है कि वो बढ़िया तरीके से संगठन को चलाए, यही मेरी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कुलवंत सैनी जी को सर्वसहमति से हक की आवाज़ संगठन का अध्यक्ष चुन लिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मालाएं डालकर फूलों की उनका अभिनंदन किया जा रहा है। और ये तस्वीरें सढौरा रेस्ट हाउस की है, जहां पर आज हक की आवाज़ संगठन की मीटिंग जारी है, जिसमें संगठन विस्तार को लेकर भी तमाम चर्चाएँ हुई। और आप देख रहे हैं मुँह मीठा कराकर उनको सम्मानित किया जा रहा है। और क्या कुछ कहा है, तमाम बातचीत हम जानने की कोशिश करेंगे। डांग साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, पवन सैनी जी और कुलवंत सैनी जी से, कि किस तरह से ये संगठन काम करता है और कब से ये संगठन बना हुआ है। तो बने रहे आप हमारे साथ इस चर्चा में। तो दोस्तों हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पवन सैनी जी, और आज हक की आवाज़ संगठन के जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं वो भी इनके साथ ही मौजूद हैं। सर से जानेंगे कि हक के आवाज़ जो संगठन है किस प्रकार से कार्य करता है, और क्या इनके नियम है, कब से ये संगठन चल रहा है। तो सर अपनी बातचीत रख सकते हैं। आज ये हमारी हक के आवाज़ के संगठन की एक काफ़ी लंबे समय के साथ ये बैठक हुई है हमारी। पिछले जो हमारे अध्यक्ष के नाते जिन्होंने, श्री जसमेर जी ने अपना कार्यकाल पूरा किया, उस नाते से आज ये बैठक थी कि अगर उनका कार्यकाल आगे बढ़ता है या अन्य कोई किसी को जिम्मेवारी मिलती है, उस नाते से आज इकट्ठा हुए थे। तो आज सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया है कि कुलवंत जी जो हमारे पीर भौली के गांव के रहने वाले हैं, उनको क्योंकि काफ़ी टाइम से वो सक्रिय, जब से संगठन खड़ा किया गया है तब से वो इस संगठन में सक्रिय थे, और उस संगठन को बनाने में, इसको आगे बढ़ाने में, और इसके लिए जो जो भी कार्य इन्होंने किए हैं, उनके जो भी कार्य किए हैं उनमें उनका, कुलवंत जी का बहुत योगदान रहा है। इस नाते से आज संगठन की एक बैठक हुई और संगठन के सभी सदस्यों ने एक मत से, सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि कुलवंत जी इसके लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, क्योंकि समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, सामाजिक कार्य में अक्सर भाग भी लेते रहते हैं, धार्मिक कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जिसका लाभ भी उन्हें मिलेगा और संगठन को भी उसका लाभ मिलेगा। तो मेरा तो आज इस नाते उनको बहुत बहुत मैं उनको बधाई देता हूँ, और सभी संगठन के जितने भी लोग हैं सभी की ओर से ये आश्वासन दिलाता हूँ कि आप के जो भी कार्यकाल रहेगा आपकी अध्यक्षता में पूरी अच्छा रहेगा, और संगठन के जो नियम कानून के अनुसार चलेगा। समाज में एक हमारी जो प्रतिष्ठा बढ़ी हुई थी संगठन की, उस प्रतिष्ठा को हम और अधिक ऊपर तक ले जाएंगे, ऐसे हम सभी संगठनों ने विश्वास उनको दिलाया। वैसे तो समाज में बहुत से ऐसे वंचित लोग हैं जहां पर संगठन कोशिश करेगा कि अपनी पहुंच वहां तक बनाए, लेकिन फिलहाल तो ये है कि जो हमारी प्राथमिकता के नाते है कि जैसे हमारे आवारा गौ माता इस जो नगर में या आसपास गांव में घूम रही है, इनको किसी तरह नियंत्रित किया जाए या इनको उचित स्थान पर भिजवाया जाए, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। उसके बाद से और भी जैसे गरीबों की शादी करवाना, कुछ लोगों के अभी जैसे बाढ़ वगैरह ही है, इसमें मकान वगैरह गिर गया है, उनका थोड़ा सा सर्वेक्षण करके उनकी छत के लिए अगर हम लोग कुछ कर सकते हैं, प्रशासन की भी उसमें मदद लेंगे, और अन्य जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जो और भी अन्य बड़े लोग हैं, वो भी उसमें आगे बढ़ चढ़ कर, पहले भी उन्होंने सहयोग किया है और आगे भी वो सहयोग करेंगे। तो इस नाते से हम लोग सारा ये विचार करके चल रहे हैं कि समाज का जितना भी अपेक्षित समाज है, जिसको हमारी जरूरत है, संगठन की जरूरत है, उसके पास जाके उसको, उससे बातचीत करके और उनको वो थोड़ी थोड़ी जो मदद है वो हम लोग मुहैया करवाने की कोशिश करेंगे। कब से आपका ये संगठन? 2012 से ये संगठन खड़ा किया गया था, तब तो इसने बहुत बड़ा स्वरूप ले लिया था, क्योंकि कुरुक्षेत्र इधर हमारे नारायणगढ़ आगे काफ़ी मतलब अच्छा, लगभग 2-3 हज़ार लोग इसमें इस संगठन से जुड़े हुए और काफ़ी अच्छे कार्य इनके। सबसे पहले आपके जो इस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए भाई, मैं इस काबिल तो नहीं हूँ था जो आज इन भाइयों ने मेरे ऊपर आशा विश्वास व्यक्त किया। मैं मानता हूँ कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, फिर भी वो कहा था कि 10 भाइयों की बात कभी मोड़नी नहीं चाहिए। मैंने तो ये भी कहा किसी, क्योंकि मेरे से काबिल सारे हैं, जितने भी यहाँ बैठे हैं संगठन के बंदे सारे मेरे ज़्यादा काबिल हैं, तो मैंने तो यही बात रखी थी कि
बहुत बहुत हमारे जो संरक्षक हैं संगठन के, डांग साहब भी हैं, और जो हमारे पूर्व प्रधान, जो अभी प्रधान, अब भी हम तो इनको प्रधान ही मानते, जसमेर जी हैं जिन्होंने आज बात रखी है, बाकी सभी साथियों ने बात रखी। तो मेरी तो सबसे बड़ी ये बात है कि जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ाई भाई, मेरा तन मन धन से मैं आपके साथ हूँ, और मैं सभी साथियों का इसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपना समय निकाला है। आज काफ़ी समय के बाद हक की आवाज़ संगठन का एक विशेष सत्र मीटिंग बुलाई गई, क्योंकि कुछ ऐसे कारण हुए कि हमारे जो प्रधान जी हैं वो कुछ व्यस्त भी रहे, कुछ घर में कुछ ऐसी समस्या थी, ये आ नहीं सके और हम मीटिंग भी नहीं बुला पाए। आज उन्होंने अपनी स्वच्छता से अपनी घर की समस्या बताते हुए, आज उनका जो कार्यकाल समाप्त भी हो रहा था, तो उन्होंने ये एक विचार रखा कि क्यों ना संगठन का अध्यक्ष दोबारा चुनाव किया जाए, मेरे को इससे निवृत्त किया जाए। तो अब संगठन की जैसा कि मीटिंग थी, और जैसा कि हमारा संगठन बहुत पुराना 2012 से ये संगठन बना है, जिसमें हमारे कुलवंत सैनी जी, इसमें इनका बहुत अहम रोल रहा है, बहुत सेवा इन्होंने की है, और अब भी ये संगठन के बहुत पदाधिकारी थे, और हमने सभी ने एक विचार करके इनके ऊपर अपना आशा व्यक्त की, और इनको हमने आज चुनाव किया, सर्वसम्मति से इनको अध्यक्ष पद दिया गया, और हम इसके ऊपर एक विश्वास व्यक्त करते हैं कि संगठन को और आगे बढ़ाएंगे। सदस्य जो बनना चाह रहे हैं, अभी काफ़ी सदस्य जो बनने के लिए तैयार थे, उनको ये साथ जोड़ेंगे और संगठन को आगे बढ़ाएंगे, और संगठन की जो रचनात्मक कार्य हैं, जो सामाजिक कार्य हैं, उनको आगे ले जाएंगे, और संगठन का नाम होगा, हमें इनके ऊपर अपना पूरा विश्वास है। इसीलिए ऐसे हम तो इनको लायक समझाएं, तभी इनको संगठन का अध्यक्ष पद दिया गया है। और आज से नहीं है, 10 साल से जुड़े हुए हैं, 11 साल से काम कर रहे हैं, इन्होंने हमारे साथ मिलकर बहुत कार्य किया, जो हमें, मेरे को भी इन्होंने जो सेवा का मौका दिया, जब भी बुलाया मैं भी उपस्थित हुआ, और आज उसी कारण जो इन्होंने मान सम्मान मेरे को भी दे रखा है, तो मैं इनका मान सम्मान करते हुए इनका नाम प्रपोज किया अध्यक्ष, और सब ने इसके ऊपर अपनी सहमति जताई है, और हम आशा व्यक्त करते हैं कि संगठन को आगे ले जाएंगे, बढ़कर कार्य करेंगे। समाज के कार्य करना एक संगठन का सबसे पहला हमारा उद्देश्य है, कि समाज के अंदर एक अच्छी एक इसकी सोच हो, विचार हो, और हम बढ़कर इस कार्य को करें, समाज के कार्य। जैसे कि आज हालात जो हैं हमारे इलाके के अंदर, जैसे फ्लड आया है, या और जो भी सामाजिक कार्य हैं जिनका कोई नुकसान हुआ, या उसका थोड़ा बहुत सर्वे करेंगे, उसके लिए जो हम बन पड़ेगा, हम समाज की सेवा करेंगे और बढ़ चढ़ कर उसकी सहायता भी करेंगे, और सरकार से भी जो हो बन पड़ेगा हम सहायता करवाएंगे। हमारा यही उद्देश्य है कि हमारे कुलवंत सैनी जी बढ़ कर कार्य करें, और ये अपनी कार्यकारिणी जो है बनाएं, आगे जो 1 हफ्ते के 10 दिन में ये अपनी नई कार्यकारिणी जो आगे उसको बनाएंगे।